नमस्कार। संवत 2080 जो कि दिवाली 2023 से लेकर दिवाली 2024 तक रहेगा, वो जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन को क्या फल देगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। आगे बढ़ूँ उससे पूर्व ये बात आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पर जो भी बात हम कर रहे हैं वह चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। वैदिक साइडिडियल चंद्र राशि की यहाँ पर बात की गई है। अब किसी भी राशि के लिए पूरा वर्ष या संवत कैसा रहेगा, अगर हमें ये जानना हो तो पराशर मुनि ने ऐसा कहा है कि उसके लिए संवत प्रवेश के कुंडली एवं पूरे संवत के दौरान गुरु ग्रह, राहु केतु और शनि की क्या पोजीशन रहेगी उसका अभ्यास करना चाहिए। आप पराशर मुनि का सूत्र देखें और इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर प्रिडिक्शन दिया गया है। संवत फलादेशे शनि राहु केतो च गुरुम प्रधानतः विचारयेत। सबसे पहले जल तत्व की कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। इस संवत शनि आपसे 8th राशि में, राहु 9th राशि में, केतु 3rd राशि में तथा गुरु अप टू 1st मई 10th राशि में और उसके बाद 11th राशि में रहेगा। सो ओवरऑल यह समय आपके लिए एवरेज टू गुड रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ के लिए यह समय एवरेज रहेगा। नए कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और ना ही कोई नए डिसीज भी होंगे, बट हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण, गायनिक इश्यू या फिर प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज होने की प्रबल संभावना है। उसमें भी अगर उस ऑर्गन्स में पहले से अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो शायद सर्जरी के योग भी इस वर्ष के दौरान हो सकते हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज आपको नहीं होंगे, किंतु आपके कंट्रोल में न हो उस तरह के इम्यून रिलेटेड सिस्टम, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड जो डिसीज है, जो ऑटो जनरेटेड है, जो आपके हाथ में नहीं है, उस तरह के डिसीज होने की पूरी संभावना है। तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को चेक में रखना पड़ेगा। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी लेकिन मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उसके ऊपर आपको चेक रखना पड़ेगा। अप टू मई 2024 सर्जरी के पक्के योग है। अगर आपने सर्जरी को वहाँ तक टाल दिया तो उसके बाद आपको राहत मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय एवरेज टू गुड है। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिलेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ से आपको नए नए बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और जो आपके लाइफ लॉन्ग चेरिश गोल थे वह गोल आप चरितार्थ होते हुए देखोगे। सो खुद के व्यवसाय के लिए, कंसल्टेंट के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जॉब वालों के लिए यह समय ड्रीम जॉब देने वाला रहेगा। आपकी सैलरी में आपको राइज भी मिलेगा और आपकी पोजीशन भी अप होगी। यदि आपका व्यवसाय पार्टनरशिप का है तो शायद इस समय के दौरान आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी क्योंकि उसमें ट्रबल दिख रही है। हालांकि अगर आपने अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिए अप टू मई 2024 तो शायद पार्टनरशिप टिक भी जाए। एक बात ये है कि इस समय का आपको सदुपयोग कर लेना चाहिए। ओवरसीज से आपको बहुत लाभ है और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय में हो तो इस समय के दौरान आपको अकल्पनीय लाभ होगा। हालांकि आपको इस समय के दौरान गैम्बलिंग से या फिर जिस चीज़ों में आपकी बुद्धि आपको सहायता नहीं कर रही है उस तरह की लक रिलेटेड चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लाभ होगा। अब हम आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। मई 2024 के बाद यदि आप सिंगल हो तो आपके विवाह के प्रबल योग क्रिएट हो रहे हैं। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यह संवत आपको अकल्पनीय लाभ देगा। आपका आपकी वैवाहिक जीवन जो है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, वो बहुत ही अच्छी गुजरेगी। इतना ही नहीं, शायद आप एक मेमोरेबल जर्नी भी आपके लाइफ पार्टनर के साथ करोगे। आपका सोशल सर्कल एनहांस होगा। फैमिली लॉन्ग वेकेशन
और मेमोरेबल धार्मिक यात्रा हो, उस तरह के योग भी इस वर्ष के दौरान है। हालांकि संतान विषय छोटी मोटी चिंता आपको रहेगी, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये समय अच्छा फल देने वाला रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय गुड टू वेरी गुड रहेगा। यू कैन रिलाई ऑन योर लक। आप जो मेहनत करोगे उससे ज़्यादा परिणाम आपको मिलेगा, तो इस समय का आपको सदुपयोग कर लेना चाहिए। अगर आप ओवरसीज स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हो या फिर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए PhD के लिए अगर आप प्रवृत्त हो, तो इस समय के दौरान आपको सुनिश्चित लाभ मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। इस संवत में शनि आपसे 4th राशि पर, राहु 5th राशि में और केतु 11th राशि में, तथा गुरु अप टू 1st मई 6th राशि में और बाद में 7th राशि में रहेगा। सो ओवरऑल आपके लिए समय चैलेंजिंग टू एवरेज रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ के लिए ये समय चैलेंजिंग टू एवरेज रहेगा। उसमें भी जब ज़्यादा हम जूम करते हैं तो पेट से लेकर घुटनों तक के जो ऑर्गन्स है वहाँ पर मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और वहाँ पर सर्जरी के योग भी क्रिएट हो रहे हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज होने की पूरी संभावना है, तो यदि आपने अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाया, अपने रूटीन में अगर आपने चेंज नहीं लाए, तो आपको सुनिश्चित डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसे डिसीज हो जाएंगे और आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। किडनी और लीवर डिसीज होने की भी प्रबल संभावना है। एक बात तय है कि एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, यू कान रिलाई ऑन योर लक और आपको प्रॉपर चेकअप्स करवाने चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा रोग होने की प्रबल संभावना है। अलर्ट रहकर अगर आप काम करोगे, कॉशियस रहकर आप काम करोगे, तो आप डैमेज को मिनिमाइज कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए यह समय एवरेज रहेगा। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको मई 2024 के बाद बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन तब तक आप आपके भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। इफ़ यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन योर लक, तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर प्रॉपर पेपर वर्क आपने नहीं किया तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होने की भी प्रबल संभावना है। यदि आपका व्यवसाय पार्टनरशिप्स का है तो उस तरह की पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए समय एवरेज रहेगा। जॉब वालों के लिए यह समय उनकी पोजीशन तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनकी सैलरी में हाइक जरूर आएगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा। लॉटरी या आकस्मिक लाभ होने की प्रबल संभावना है ड्यूरिंग दिस संवत। ओवरऑल आपकी सेविंग्स में या आपकी इनकम में यह संवत स्लाइट इंक्रीमेंटल ग्रोथ देगा, लेकिन बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाए उस तरह की संभावना नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए यह समय एवरेज टू गुड है। यदि आप सिंगल हो और आप विवाह के लिए प्रवृत्त हो, तो मई 2024 के बाद विवाह योग होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके रिलेटिव्स के साथ आपका एक मेमोरेबल जर्नी हो, एक यादगार प्रवास हो, उस तरह के योग भी क्रिएट हो रहे हैं। यदि आपने आपके मैरिड लाइफ में आपके जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर उनको आपने ऑन द टेबल रिजॉल्व नहीं किया, तो शायद इस संवत में आपका संबंध विच्छेद भी हो सकता है। हमारी सलाह है कि यू शुड नॉट इन्वॉल्व थर्ड पार्टी। अगर आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है वह एंड हो जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए यह संवत बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। आपका सोशल सर्कल भी इंक्रीज होगा और हैप्पीनेस फ्रॉम सोशल लाभ आपको मिलेगी, यह सुनिश्चित है। हालांकि पेरेंट्स की जो हेल्थ है उसमें कुछ दिक्कतें आएगी, उसमें भी आपकी माता रिलेटेड समस्याएं, माता की हेल्थ के रिलेटेड समस्याएं आपको रहेगी और उसके कारण एक तरह का तनाव फैमिली में बना रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग है। एक बात तय है कि ड्यूरिंग दिस संवत यू कान रिलाई ऑन योर लक।
अप टू मई आपको 125% एफर्ट्स डालने होंगे यदि आपको 100% चाहिए. दैट मीन्स 25% मोर एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. हेल्थ इश्यूज होने के कारण आपके स्कूल में कोई इश्यू हो और उसके कारण शायद आपका एक साल ख़राब हो जाए, उस तरह की इवेंट्स भी इस साल होती हुई दिख रही है. लक आपको साथ देता हुआ नहीं दिखाई देगा. और यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको मई के बाद ट्राई करना चाहिए, तो ही आपको आंशिक सफलता मिलेगी. ओवरऑल ये समय बहुत ही एवरेज है. सो लक के ऊपर भरोसा न रखते हुए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड राशि ऑफ जल तत्व, मीन राशि. इस संवत में मीन राशि से, दैट मीन्स आपकी राशि से, शनि 12th राशि पर आएगा, राहु आपकी राशि में और केतु आपसे 7th राशि में आएगा. गुरु अप टू 1st मई आपसे 2nd राशि में और बाद में 3rd राशि में आएगा. सो ओवरऑल ये जो समय है वह समय आपके लिए एवरेज टू गुड टाइम रहेगा. लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट. हेल्थ के लिए ये समय गुड टू एवरेज है. कोई नए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसीज है वो भी नहीं होंगे. और यदि कोई ओल्ड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके हेल्थ में तो ड्यूरिंग दिस टाइम वो रिजॉल्व हो जाएंगे. और अगर आप सर्जरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो सर्जरी नहीं करनी होगी और दवाई से ही काम हो जाएगा. हालांकि गिरने से, चोट लगने से या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने से आपको अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती से या आपकी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ से आपको चोट लगे और उसके कारण आपका बहुत सारा समय खराब हो जाए, यह होने की प्रबल संभावना है. ओवरऑल एक इमोशनल सेटबैक आपको ड्यूरिंग दिस टाइम लगेगा और इसके कारण आप फिजिकली इनएक्टिव रहना भी पसंद करोगे. सो यू शुड फोकस ऑन योर इमोशनल हेल्थ और एडवेंचरस एक्टिविटी. अगर इन दोनों को आपने चेक कर लिया तो ये समय आपको अच्छा परिणाम देगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ. वेल्थ के लिए समय एवरेज टू गुड रहेगा. यदि आप जॉब में हो तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी और आपकी सैलरी में भी आपको राइज मिलेगा. हालांकि जो आपको प्रमोशन मिलने वाला है वह प्रमोशन आपको मई के बाद ही मिलेगा. यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको ये लगेगा एज इफ इट इज़ अ टाइम ऑफ योर लाइफ. लॉट्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम. और ओवरऑल जब इस संवत ख़त्म होने के बाद आप देखोगे तो यह संवत आपकी जो पोजीशन है उसको पूरी तरह से इंक्रीमेंटल ग्रोथ देने वाली रहेगी. अगर आप ओवरसीज़ के साथ काम कर रहे हो तो आफ्टर में आपको अकल्पनीय लाभ होगा. पार्टनरशिप वालों के लिए यह समय वेरी गुड है और न्यू हाइट्स आपकी जो पार्टनरशिप की फर्म है उसकी बैलेंसशिप में आप आती हुई देखोगे इस संवत के दौरान. एक बात आपको याद रखनी है एज फार एज योर बिजनेस इज कंसर्न, और वो ये है कि डोंट ओवर प्रॉमिस. यदि आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप एक हफ्ते के बाद ख़त्म कर पाओगे तो आप लीवरेज रख के ये बताओ कि मैं 10 दिन के बाद ख़त्म करूँगा. ये करने से आपकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी. अदरवाइज ओवर प्रॉमिस करने के कारण आपकी रेपुटेशन भी बिजनेस में ख़राब हो सकती है. उस तरह के योग है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप के लिए यह एवरेज टाइम है. अगर मई 2024 तक जो छोटे मोटे इश्यूज आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं उसको अगर आपने रिजॉल्व नहीं किया तो मई 2024 के बाद किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण वह इश्यूज रिजॉल्व होंगे, लेकिन आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी और उसके कारण एक तरह का असंतोष आप दोनों पार्टनर्स के बीच में लगा रहेगा. मेरी सलाह है कि आपको आपके मैरिड लाइफ के प्रति या फिर आपकी लव लाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील ड्यूरिंग दिस संवत रहना होगा. अन्यथा आपको एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट ड्यूरिंग दिस संवत मिलेगा. यदि आप सिंगल हो और योग्य जीवन साथी के लिए प्रवृत्त हो तो मई 2024 के बाद आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी और शायद
आपके शादी या विवाह के योग भी इसी संवत में दिख रहे हैं। अप टू मई आपको रिलेशनशिप में बोलने से पहले ट्वाइस और थ्राइस सोचना होगा, अन्यथा आपके जो संबंध है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। सोशल सर्कल डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस संवत इंक्रीज होगा और ओवरऑल आपको एक अच्छा समय भी व्यतीत होता हुआ ड्यूरिंग दिस संवत दिखेगा। लेकिन बोलने से पहले आपको चेक रखना पड़ेगा, अन्यथा जो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल रिलेशनशिप थे वह शायद इस संवत के दौरान एंड भी हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय एवरेज टू गुड है। आपको अनएक्सपेक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम ड्यूरिंग दिस संवत मिलेगा। उसमें भी मई 2024 के बाद का जो समय है वह समय हायर स्टडीज़ के लिए या फिर आपको जहाँ पर पढ़ना है उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। एक बात याद रहे कि अप टू मई आपको 110% डेट मीन्स 10% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। उसके बाद का जो समय है वह समय ऐसा है कि आपको एफर्टलेस सक्सेस मिलेगी। अंत में आने वाला यह संवत 2080 जल तत्व की सभी राशियाँ दैट मीन्स कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को सुख, शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।